गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आप सब लोगों का लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में स्वागत है। हम लोग वर्ग 8 के लिए विज्ञान विषय में बल एवं दाब पाठ पढ़ रहे हैं। आज हमारा भाग 4 है। इस भाग में हम लोग दाब के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले की कक्षाओं में हमने बल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं या बल से संबंधित बातें हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने अपने जीवन में दाब को महसूस जरूर किया है और उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आप सबको समझने में आसानी होगी। जैसे सबसे पहले जब हम किसी फल या सब्जी को चाकू से काटते हैं तो आपने देखा होगा कि चाकू का एक सिरा जो होता है वह धारदार होता है, यानी बिल्कुल पतला होता है, और एक सिरा मोटा होता है। हम लोग जब काटते हैं किसी चीज को तो किस सिरे से काटते हैं, मोटे वाले सिरे से काटते हैं या पतले वाले सिरे से काटते हैं? तो आपको पता है कि हमेशा जो तेज होता है यानी पतला होता है उससे काटते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मोटे वाले सिरे से क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि वह आसानी से नहीं काट पाएगा। चाकू वही है, उसका जो मटेरियल यानी जिस चीज का बना है, लोहे का बना है या स्टील का बना है, वो भी वही है। लेकिन जब धारदार हिस्सा होता है वह किसी चीज को आसानी से काट पाता है। आखिर उसमें ऐसा क्या है? उसी तरह से दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, कांटी। आपने देखा होगा कांटी को हम लोग लकड़ी में कील डालते हैं, कील यानी कांटी को डालते हैं या दीवार में भी लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कांटी में भी एक हिस्सा बिल्कुल नुकीला होता है और एक हिस्सा मोटा होता है। जब भी हमें लगाना होता है तो नुकीले हिस्से को लकड़ी के अंदर डालते हैं, ना कि मोटे हिस्से को। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों? उसी तरह से एक और उदाहरण है जिससे भी आपको इस बात का अनुमान कुछ मिल सकता है। जैसे पानी यदि खींचना है कुएं से, एक बाल्टी पानी खींचना है, हमारे पास रस्सी है, यदि रस्सी मोटी है या किसी के पास पतली रस्सी है, तो क्या बता सकते हैं कि कौन सा रस्सी से हम उसको खींचेंगे, पानी को खींचेंगे बाल्टी बांध करके, तो हमें आसानी होगी, मोटे वाले रस्सी से या पतले वाले रस्सी से? तो आपने महसूस किया होगा कि यदि पतले रस्सी का प्रयोग हम करेंगे तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारा हाथ कट जाए, जबकि मोटे वाले रस्सी से ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों का को हमने इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आप यह सोच सकें कि क्या अंतर होता है जब चाकू का धारदार हिस्सा से काटते हैं या कांटी के नुकीले भाग का प्रयोग करते हैं लकड़ी के अंदर डालने के लिए, या मोटे रस्सी का प्रयोग करते हैं पतले रस्सी की अपेक्षा। आखिर ऐसा क्या है? तो आप देखेंगे कि इन सब में जैसे चाकू का पतला सिरा जो है उसका क्षेत्रफल कम है, अगर रस्सी पतला है तो उसका क्षेत्रफल कम है, कांटी का नुकीला हिस्सा का क्षेत्रफल कम है, तो अगर क्षेत्रफल कम हो जाता है तो दाब बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं दाब। यानी हम महसूस करते हैं जब पानी को खींचते हैं तो अपने उंगलियों पर एक दाब महसूस करते हैं, जब मोटे रस्सी का प्रयोग करते हैं तो वह दाब कम महसूस होता है, पतली रस्सी का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा दाब अनुभव होता है। तो यह दाब क्या है? दाब को हम लोग इस
फॉर्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है उसे ही दाब कहते हैं। बल को हम लोग नापते हैं न्यूटन में और क्षेत्रफल को नापते हैं वर्ग मीटर में। तो उस तरह से दाब का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, जिसे बड़ा पी और छोटा ए, पी ए, जिसे पास्कल पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग दाब का मात्रक को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल के रूप में दिखा सकते हैं। धन्यवाद।